बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं सैम इन्फो क्लब और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बीफ नहारी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा देगचा लेंगे, उसमें हम 6 चम्मच वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। 3 स्पून हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं और 3 स्पून हम ऐड कर रहे हैं। ये देखें, पहले 1 चम्मच डाला, अब 2, और ये हमारा हो गया 3रा चम्मच। ठीक है, तो अब हम लेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, ये भी हम 3-3 स्पून लेंगे और इसको हम अपने गरम जो ऑयल किया हुआ है उसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इस पेस्ट को अपने ऑयल में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमने इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसको जस्ट लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर इसका देना है। और देखें, इसका कलर अब सेट हो चुका है। अब हम लेंगे 3 kg बीफ और वो भी इसमें ऐड करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे घी में, इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब देखें, तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब देखें, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया और ये देखें, हमारा कलर कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने हड्डियाँ रखी हुई थी पहले से ही, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और फिर उसे उसका भी कलर चेंज होने तक उसकी भुनाई करेंगे। इन हड्डियों को हम इतने अच्छे से भुनेंगे कि इसकी, ताकि हमें कोई गोश्त की स्मेल ना आए। अक्सर होता है कि हम गोश्त को अच्छे से भुनाई नहीं करते तो हमारे शोरबे में भी उसकी कच्चे गोश्त के कच्चेपन की स्मेल आती है। तो ये देखें, हमारी गोश्त की जो हड्डियां हैं उसका भी कलर चेंज हो गया है, इसको हमने इतने अच्छे तरीके से भुनाई किया है। अब हम इसमें नेशनल का या शान का या कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको अवेल हो, तो वो हम इसमें 2 पैकेट ऐड करेंगे। इसलिए 2 पैकेट हमने इसलिए ऐड किए हैं कि हमारा जो नहारी का मटेरियल है वो ज़्यादा है। 3 kg हमारा गोश्त है और साथ में तकरीबन 2 से 3 kg ही हमारी हड्डियां हैं, तो इस वजह से हम 2 ऐड करेंगे। अगर आपका मटेरियल कम है तो आप 1 ऐड कीजिएगा। और इसको भी हमने इसमें अच्छे से भुनाई करनी है कि हमारा जो मसाला है वो भी इन हड्डियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये हड्डियों की भुनाई है, ये भी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन 3 से 4 जग ऐड करेंगे, क्यों और तक अगर यानी हमारा जो बर्तन है वो पानी से फुल हो जाए, क्योंकि हमने इसे बाद में लाइट फ्लेम पे तकरीबन 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ पर ही इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम आपके मिलेंगे आपसे 6 घंटे के बाद। अब देखिए, ये 6 घंटे के बाद इसका जो गोश्त था वो हड्डियों से अलग हो चुका था। हमने इसको हल्की हल्की आग पे पकाया था। ये आप देख सकते हैं कि हमने अब जो हड्डियां हैं वो सेपरेट कर ली हैं, आप देख सकते हैं। देखें, अब हम इसमें आटा लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको निहारी में ऐड कर देंगे, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाएगी और जो निहारी का ओरिजिनल टेस्ट है वो इसी आटे को मिक्स करने की वजह से आता है। ये देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अच्छे से हिलाना है ताकि इसमें कोई गुठली ना बन सके। आप देखें, इसको इतने अच्छे से हिलाएं कि ये जो आटा है इसकी कोई अंदर गुठली ना रह जाए कोई। ये देख सकते हैं आप, ये देखें। अब हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने निहारी के इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं। देखें, उसमें हम प्याज लेंगे और प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। आप देख रहे हैं, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक घी में फ्राई करेंगे, तो मीडियम फ्लेम करेंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो चुका है। और अब देखिए कि इसके नीचे से आप जो चूल्हा है वो बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको एंड पे आकर बंद करेंगे तो प्याज जो है घी में ज़्यादा जल जाएगा। तो इसलिए आपने इसको तकरीबन लाइट ब्राउन होने साथ ही चूल्हा बंद कर देना है, ताकि बाद में प्याज मज़ीद ब्राउन हो जाता है। ये देखें, कुछ इस शेप में हमारे पास प्याज आ जाएगा। इस प्याज को हम निहारी में एज अ साइड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। ये देखें, हमने साथ में लेमन जो हैं वो भी कट किए हैं, जो हरी मिर्चें थीं, अदरक था, इसकी गार्निशिंग के लिए भी और इसके टेस्ट के लिए भी।
तो आप देख सकते हैं कि हमारी नहारी रेडी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।